हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि आप अपने आईफोन के अंदर व्हाट्सएप में जब ऑडियो मैसेज रिसीव करते हैं तो उसे कैसे अपने आईफोन के कुछ एप्लीकेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। आप उसे फाइल्स एप्लीकेशन में भी सेव कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके डिवाइस में वीएलसी मीडिया प्लेयर है तो आप उसमें भी ऑडियो मैसेज सेव कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप अपने आईफोन के अंदर व्हाट्सएप के अंदर जो ऑडियो मैसेज रिसीव करते हैं उसे कैसे आईफोन में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप अकाउंट है। व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैंने एक ऑडियो रिसीव किया है। तो ये ऑडियो व्हाट्सएप के अंदर तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर ही सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और एप्लीकेशन में ले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी यहाँ से डिलीट हो जाता है तो हमें बैकअप जनरली नहीं मिलता। व्हाट्सएप का अगर हम क्लाउड में बैकअप नहीं रखते तो भी जनरली यहाँ से मिस हो जाता है। तो मुझे परमानेंटली या तो मेरे कंप्यूटर में ले लेना है मैक में, या तो फिर मुझे कहीं वो आईफोन के अंदर कोई और एप्लीकेशन के अंदर सेफली सेव कर देना है। तो वो कैसे सेव कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जो भी ऑडियो मैसेज आपने रिसीव किया है उसे लॉन्ग प्रेस कीजिए, और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिकली ऑप्शन नहीं है। रिप्लाई का ऑप्शन है, फॉरवर्ड डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ से चूज़ करना है फॉरवर्ड। जैसे फॉरवर्ड चूज़ करेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड का जो इंडिकेशन है, जो बटन है, आ जाएगा। हमें ये यूज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बटन एक्टिव हो गया है जो शेयर का जनरली आईफोन में होता है। तो आपको टैप करना है शेयर बटन। तो जैसे ही आप शेयर बटन टैप करेंगे तो यहाँ पे पूरा शेयरिंग का डायलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैक है वो मैक का यहाँ पे जो एयर ड्रॉप के थ्रू भी मैं यहाँ फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वो पर्टिकुलर मैक में ये ऑडियो फाइल है। और दूसरे ऑप्शन है यहाँ पे जो मैं आई मैसेज है, टेलीग्राम, मेल, नोट्स के अंदर भी वो ले जा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ ज़्यादा देखूँ तो अगर आपके आईफोन के अंदर वीएलसी एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप वीएलसी में भी सेव कर सकते हैं, आई मूवी में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जनरली ये वीएलसी वगैरह है तो उसमें भी आप ले जा सकते हैं, या तो फिर आपके आईफोन में फाइल्स एप्लीकेशन है। जो जनरली फाइल्स एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी डेटा वगैरह आप सेव करते हैं वो क्लाउड में सेव होता है जनरली, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको वीएलसी के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो जनरली जैसे ही वीएलसी टैप किया तो वीएलसी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और ये जो पर्टिकुलर ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ऑडियो फाइल प्ले हो रही है, और यहाँ वीएलसी के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने एक ऑडियो टेस्ट किया था तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑडियो फाइल आपको मिल जाती है। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैंने यहाँ टैप किया तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑडियो सुन सकते हैं, और वीएलसी के अंदर से भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वीएलसी के बिना जैसे फाइल्स में लेना है तो फिर से फॉरवर्ड टैप करना है, बाद में यहाँ से शेयर आइकॉन टैप करना है, और सेव टू फाइल्स। तो सेव टू फाइल्स करेंगे तो आपके जो आईफोन के अंदर फाइल्स एप्लीकेशन है उसके अंदर ये स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैं टेस्ट फोल्डर चूज़ कर लेता हूँ। टेस्ट फोल्डर चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी ऑडियो पर्टिकुलर फाइल है वो आ गया है। बाद में ऐड टैप कर देना है तो वो पर्टिकुलर जो फाइल है वो फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर वो फोल्डर में चली जाएगी। यहाँ पर मैं फाइल्स एप्लीकेशन में जा रहा हूँ और उसमें से मुझे जाना है टेस्ट फोल्डर में। तो यहाँ पे फाइल्स एप्लीकेशन में टेस्ट फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट ऑडियो मैंने अभी सेंड किया वो यहाँ पे मिल गया मुझे। तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि यहाँ पे वो प्ले करके हमें बताए, लेकिन यहाँ से भी फिर शेयरिंग का ऑप्शन है। आप जहाँ चाहे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एयर ड्रॉप का ऑप्शन आ गया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं फिर से मेल में वगैरह में, क्योंकि फाइल्स एप्लीकेशन जो है वो जनरली कुछ फॉर्मेट जो है जैसे ग्राफिक्स वगैरह है उसे प्रीव्यू में बताता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फॉर्मेट कुछ ऑडियो वगैरह होते हैं तो उसके प्रीव्यू यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो एक सिंपल मेथड थी कि आप कैसे अपने आईफोन के अंदर जो व्हाट्सअप होता है उसमें जो ऑडियो मैसेज है उसे कोई और एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड होगा आपके डिवाइस में तुरंत उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।